पानीपत सेक्टर 18 में उस वक्त सनसनी फैल गई जब दो लापता नाबालिग बच्चों का शव बाबरपुर ड्रेन से बरामद हुए। दोनों बच्चों के शव संदिग्ध हालत में बरामद हुए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नेपाल के रहने वाले शिव प्रसाद ने पुलिस में दोनों बच्चों के लापता की शिकायत दी, जो कि साइकिल पर घूमने के लिए निकले थे, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी घर नहीं लौटे। दोनों बच्चों की मौत का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। दोनों बच्चों के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है। ये कल 19 तारीख थे ना, तो 19 को शामिली दो बच्चे गुम हो गए खेलते खेलते साइकिल पर, जिस बारे में मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। अभी तलाश किया हमने इधर उधर, तो फिर आज सूचना मिली कि अजीत जुल्लापुर गंदा नाड़ा के पास साइकिल पड़ी है कोई, और चप्पल निकल रही है गंदे नाले के पास। तो वहाँ जाकर पुलिस टीम ने देखा तो दोनों बच्चों की डेड बॉडी थी, शिनाख्त कर ली गई इनकी, और ये परिवार वाले मौके पर आ गए थे, अफसरान वाला मौके पर आ गए थे, फैसिलिटी मौके पर आ गए थे, डेड बॉडी को उठा कर पोस्टमार्टम के लिए यहाँ लेकर आए। स्थिति कल स्पष्ट हो जाएगी पोस्टमार्टम के बाद किस तरह से मौत हुई, डूबने से हुई है या इनके साथ कोई अप्रिय और घटना हुई है। ड्रेन में अंदर नाला है जो गंदा नाला, बाबरपुर गंदा नाला बोल देते हैं इसको, उसके अंदर काफ़ी गहरा गड्ढा था पानी का, ये रेत वगैरह निकाल देते हैं, वहाँ पानी इकट्ठा हो रहा था, कम से कम 15-16 फुट गहरा गड्ढा होगा उसके अंदर। दोनों एक ही जगह गड्ढे में दोनों भी इकट्ठे बोले। साइकिल कितनी दूर थी? साइकिल गंदे नाले के किनारे पर थे और किनारे पर चप्पल निकल रही है दोनों बच्चों। कोई चोट के निशान कुछ है? ना फिलहाल, प्राथमिकता के आधार पर चेक किया गया, कोई चोट के निशान नहीं। हो सकता है हादसा हो सकता है, कोई और अप्रिय घटना हो गई हो। परिजनों ने कोई आरोप वगैरह लगाया? नहीं, अभी तक कोई इस तरह का। फिलहाल दोनों बच्चों के शवों का पोस्टमार्टम करवाया गया है और शवों को परिजनों को सौंप दिया है। अब दोनों बच्चों के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का खुलासा हो पाएगा। वहीं पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।